एवरी एवरीवन आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खरीत से होंगे अपनी छुट्टियां ऑलरेडी इंजॉय रहे होंगे जिन स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं और जो लोग जॉब पे जाते हैं काम पे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनके लिए एक अहम खबर आप लोगों को बताती चलूँ कि हुकूमत ने ईद अज़ा की तातीलत का ऐलान कर दिया है ईद की छुट्टियों का आगाज होगा आप लोगों का उनतीस जून से और आपको तीन दिन की छुट्टियों का जो है अनाउंस किया गया है बड़ी ईद लाएगी बड़ी खुशियां आई होप आप लोग सब ईद का त्यौहार अच्छे तरीके से और खुशगवार माहौल में गुजारे गर्मी जरूर है मगर अपना और अपने जो जानवर हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें साथ साथ आपको बता दू कि पहले खदशा था कि अट्ठाईस जून से आप लोगों को छुट्टियां होंगी क्योंकि एक छुट्टी जिल हज की भी काउंट होती है मगर फेडरल हुकूमत ने वफाकी हकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि आप लोगों को सिर्फ तीन छुट्टियां ही दी जाएंगी जो कि 29 जून से लेकर पहली जुलाई 2023 तक होगी उसके बाद सैटरडे को संडे की ऑलरेडी छुट्टी है और फिर मंडे से आप लोगों की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी स्कूल्स में तो ऑलरेडी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं आप लोगों की मगर जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं स्टूडेंट्स जो जॉब्स पर जाते हैं मेरे फेलोज़ मेरे भाई मेरी बहनें और जो स्कूल्स में जॉब करते हैं एडमिन ऑफिस में या बैंक एरियाज़ में या फिर कॉर्डिनेट के तौर पर काम करते हैं उन लोगों की रूटीन एज इट इज स्टार्ट हो जाएगी उन बेचारों को या हम लोगों को उस तरीके से छुट्टियाँ नहीं होंगी मंडे से हम लोगों की रूटीन का आगाज हो जाएगा मगर मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इस बकर बड़ी ईद पे आप लोगों को बड़ी बड़ी खुशियाँ मिले जानवर भी जो जा हैं वो अच्छे बड़े बड़े मिले और आपको ईद के इस त्यौहार पे कुछ ना कुछ कुर्बानी करने का एक सबक होता है वो मिलता रहे एसार है कुर्बानी का इनाम एसार है दूसरों के लिए ख़िदमत करना है अपने जानवर का ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखें और याद रखिएगा इस ईद सफाई का ख़ास तौर पे हमने ख़्याल रखना है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है जब कोई बाहर से आ रिप्रेजेंट करता है हमारे मुल्क को और वो ये कहता है कि पाकिस्तान में तो बहुत ही गंदगी है तो बहुत दिल दुखता है तो सफ़ाई का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है छुट्टियां इंजॉय ज़रूर करें मगर अपने इर्द गिर्द का माहौल इस ईद पे खसूस बहुत ज़्यादा साफ़ रखें बीमारियां इसी तरह फैलती हैं और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखने वाले और हमें फ़ॉलो करने वाले और हमारे सब्सक्राइबर्स किस भी मुसीबत में जो है वो आए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह ने बनान अपनी ईद की खुशियों में और दुआओं में मुझे और हमारी टीम को भी याद रखिएगा तब